दोस्तों आज हम जाने वाले हैं रामसेस किला पर। यह किला नासिक शहर से उत्तरी दिशा में 14 किलोमीटर दूर स्थित है। आशीवाड़ी गांव से टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आप आसानी से किले के बेस तक पहुंच सकते हैं। गाड़ी की पार्किंग के लिए यहां पर अच्छी जगह बनाई गई है, जहां पर टू व्हीलर के लिए 20 रुपये और फोर व्हीलर के लिए 40 रुपये लिए जाते हैं। इस किले पर आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये चढ़ने में काफ़ी आसान है। बारिश के मौसम में ये किला काफ़ी ज़्यादा मन को मोह लेता है। ऊपर खाने के लिए आपको किले पर एक शॉप मिलेगी, जहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रेट में दी जाती है, लेकिन वो काफ़ी फेयर है, क्योंकि इतने ऊपर ले जाकर वो सामान बेचने के लिए उनकी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, तो 10-20 रुपए ज़्यादा से कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है। यह किला एक पहाड़ी किला है और इस किले की ऊँचाई 32,000 फीट है। सामने वाले पहाड़ी की भी एक रामायण से जुड़ी हुई कहानी है, जैसे मतलब वहाँ पर सुपर्नाखा का लक्ष्मण द्वारा नाक काटा गया था, ऐसा हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों ने ये हमें बात बताई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किले पर काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई की जाती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संस्थाएं मौजूद है जो हर दिन ये साफ सफाई करती है, तो किले का परिसर साफ सुथरा दिखता है। यह किला मराठों ने 5.5 सालों तक मुगलों के हमले से बचा कर रखा था। इस किले के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तब उन्होंने वास्तव किया था। प्रभु श्री राम जब इस जगह पर आराम करते थे, इनकी यहाँ पर एक शेज मतलब शैया है, इसकी वजह से इस किले का नाम रामशेज पड़ गया। किले के ऊपर आपको एक राम मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक पथरीली गुफा में यह मंदिर बनाया गया है। मंदिर में जाते ही वक्त आपको काफ़ी ठंडा महसूस होगा और आपकी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ बनी हुई है। मंदिर के बाजू में आपको एक पानी का कुआं दिखेगा, जिसमें पुरातन काल में पीने के लिए यह कुआं बनाया गया था। सिंहगढ़, प्रतापगढ़ जैसे सह्याद्री के पहाड़ियों में बहुत सारे किले घने जंगलों में बसे हुए हैं, लेकिन यह रामसेस किला एक में ऐसा किला है जो पूरे मैदानी और खाली भाग में बसा हुआ है। मराठों के इतिहास में यह किला अपराजित रहा था, जिसने महाराष्ट्र के इतिहास को तेजस्विता प्रदान की है। मराठा रियासत के ज्यादातर किले घने जंगल में और पेड़ पहाड़ियों में बनाए गए हैं, लेकिन रामसेस एक मैदानी किला है
जिसके बाजू में ना तो कोई दूसरा पहाड़ है और ना ही कोई किला। अन्य किलो जितना ना किला लंबा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऊंचा है, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज की शूर सेना ने इस किले को 5.5 सालों तक अपराजित रखा था। इसी कारणवश मराठा के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को इसने तेजस्विता बहाल की है। यहाँ पर सेना रात को सोती थी और जैसे ही हमला होता था तो यहाँ पर खड़े होकर वो नीचे रखे हुए पत्थर और कपड़े जलाकर मुगलों की सेना पर फेंकते थे। यहाँ से आप देख सकते हो कि चढ़ना यहाँ पर कितना मुश्किल रहा होगा। अब जैसे ही यहाँ पर चढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह केवल 600 मावड़ों ने मुगलों की 20,000 की सेना मुकाबला किया होगा। नीचे बहुत सारे अवशेष अभी टूट गए हैं, लेकिन जो सेना के लिए ये गुफा बनाई गई थी वो अभी भी आपको दिख सकती है। यहाँ पर नीचे मावड़े अपने शस्त्र रखते थे। जैसे आप किले पर चढ़ते हो तो आपको समझ आएगा कि क्यों इस किले को इतना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि जैसे आप ऊपर चढ़ते हो तो समझ में आता है कि ऊपर से बिल्कुल जो दीवारें किले को मतलब फुल 90 डिग्री में दिखेंगी। और जैसे ही शहाबुद्दीन की सेना मतलब मुगलों की सेना ऊपर चढ़ती थी तो ऊपर रहने वाले मावड़े बड़े बड़े पत्थरों और कपड़े जलाकर उन पर फेंकते थे, जिससे वहाँ पर चढ़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु पश्चात उनके पुत्र संभाजी महाराज नए छत्रपति बने और उन्होंने मराठा रियासत को मजबूत करने के लिए सभी किलों की तरफ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना शुरू किया था। किले पर कई छोटे छोटे पानी के तालाब बनाए गए हैं और यहाँ पर कई सारे बस छोटे मोटे घर भी बनाए हुए होंगे, लेकिन वो कई समय से अंग्रेज आक्रमण करता हो या फिर पर्यावरण की वजह से नष्ट हो गए हैं। रामसेस किले पर छत्रपति संभाजी महाराज ने सुराजी जेदे नामक पराक्रमी सरदार को किलेदार बनाया था। सुराजी खुद पूरी तरह किले को जानते थे और दिन रात किले की पहरेदारी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सुराजी कब विश्राम करते थे यह किसी को भी पता नहीं था। यहाँ पर कचरा डालने के लिए एक जगह बनाई गई है, लेकिन आसपास की स्थानीय बकरियाँ इसे फैला देती है, लेकिन कोई नहीं, हर हफ्ते यहाँ पर साफ सफाई की जाती है, जिससे किला आपको काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा दिखाई देगा। औरंगजेब इसी भ्रम में था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात मराठों की ताकत खत्म हो गई होगी, इसलिए वो दक्षिण की तरफ अब सेना लेकर निकल पड़ा। सह्याद्री के किले हासिल करने के लिए उसे रामसेस पर कब्जा करना था। औरंगजेब का सरदार शहाबुद्दीन खान के नेतृत्व में मुगल सेना रामसेस पर आक्रमण करने गई। उसे लगा था कि कुछ ही घंटों में उसे किला हाथ लग जाएगा, लेकिन उसकी 20,000 की फौज को केवल 600 सैनिकों की मराठा सेना ने 2 साल तक चुनौती दी। आखिर औरंगजेब ने शहाबुद्दीन खान को वापस बुला लिया। इसके बाद भी फतेह खान और कासम खान ने 2-2 सालों तक रामसेस पर आक्रमण किया, लेकिन उसे जीतने के ख्वाहिश को वो पूरा नहीं कर सके।
इन 5.5 सालों में मुगलों ने रामसेस को हासिल करने के लिए कई तरीके अपनाए थे, लेकिन उन्हें हाथ हिलाकर वापस जाना पड़ा। किले पर यह गुप्त द्वार बनाया गया था जहाँ से सैनिक अपने खाने पीने के लिए सामग्री लाते थे और जो संभाजी राजे वेपन्स भेजते थे वो भी यहाँ से ही लाया जाता था। जब मुगल सैनिकों ने यह किला 3-4 महीनों के लिए बाहर से घेराव डाल दिया था तो यहाँ से ही चीज़ों को ऊपर लाया जाता था। यहाँ पर शाहबुद्दीन खान ने एक लकड़ी की तोप बनाई थी जहाँ से किले की तरफ फायर करते थे। उस फायर की वजह से काफ़ी ज़्यादा किले का नुकसान होता था, लेकिन रात में ही सभी मावड़े टूटा हुआ हिस्सा फिर से बना लेते थे। शाहबुद्दीन खान करीब 2 सालों तक यहाँ पर लड़ा था और वो नीचे ही यहाँ पर बेस में रहता था। मावड़ों को उन्होंने 4 ओर से घेर लिया था कि जैसे उनको खाने और पीने के लिए समस्या होने लगी थी, लेकिन एक लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई और उस बारिश में आजू बाजू के जो मुगलों के जो मरे हुए शव थे वो सड़ने लगे और वो सड़ने की वजह से मुगलों की सेना में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलने लगी। इससे शाहबुद्दीन खान ने सेना वहां से कम कर दूसरी जगह पर ले गया। इसका मौका देखकर ही संभाजी राजे ने उनकी सेना किले पर एक गुप्त दरवाजे से भेजी, जिनके साथ ऊपर रह रही सेना के लिए खाना और अनाज भरपूर मात्रा में भेज दिया और ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। सुबह मावड़े पर से बड़े बड़े पत्थरों और बांध से वार करते थे तो जैसे ही रात होने पर जंगल में छिपे हुए संभाजी राजे की सेना उन पर हमला करती थी, जिससे मुगलों की सेना को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती थी।